यात्रियों का श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार आपका स्वागत व अभिनंदन करती है। हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डे 3 एंड टाइम हो रहा है 10:53 और हम लोग ने गो स्टॉप चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, क्योंकि प्लान धनौल्टी का था बट मौसम जैसा दिख रहा है पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया है, तो धनौल्टी में बस व्यू है तो ऊपर जाके व्यू भी नहीं दिखेगा तो मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ से लगभग हम लोग को पहुँचने में 1.5 घंटा तो लगेगा ही। दिखाते हैं आपको मौसम, देखिए आप एकदम शानदार हो गया है। पता है जब जा रहे हैं उस वक्त थोड़ा क्राउड भी आया गो स्टॉप में, बाकी गो स्टॉप अच्छी जगह है यार। मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, बढ़िया लगा, काफ़ी नए लोगों से दोस्ती भी हुई। सुबह मतलब रात से ही कोहरा पड़ने लगा था, कोहरा बोलो या बादल बोलो बात एक ही है, बादल बोलेंगे, कोहरा तो नहीं था क्योंकि कोहरा जो बहुत डेंस होता है और ये बादल उड़ते रहते हैं, तो काफ़ी सीन अच्छा लग रहा था। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बारिश भी हुई थी तो आज मौसम ठंडा हो गया है। मुझे लगता है आई थिंक टेम्परेचर होगा अराउंड 15 के अराउंड होगा। गो स्टॉप की वजह से एक्सपीरियंस अच्छा भी हो गया, अगर गो स्टॉप ना होता, अगर होटल होते तो मोस्टली बोर हो जाते, क्योंकि यहाँ 2-3 स्पॉट हैं घूमने वाले, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। दलाई हिल्स भी एक, बट दलाई हिल्स फिर वही बात थी ना, व्यू जो आप देख ही रहे हो इतना क्लाउडीनेस है तो व्यू क्या ही दिखेगा। फिर अच्छा वो उल्टे रास्ते था भी, तो अब ज़्यादा आज रन नहीं करना था, आज ये था कि चलो अब ऋषिकेश पहुँचेंगे वहीं थोड़ा चिल करेंगे। चिल करना ज़रूरी है भाई, गंगा किनारे बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद रात को अपनी ट्रेन है निकल लेंगे लखनऊ, फिर किसी और ट्रिप पे आएंगे। भोलेनाथ चाहेंगे तो वो देखो पूरे बादल है वहाँ पे ऊपर। दोस्तों ये देखो भाई सुबह हो रही है और यहाँ से बादल आ रहे हैं, ये देखो क्या शानदार व्यू है यार, देखो एकदम बादलों के बीच। नाइस यार, नाइस, बहुत बढ़िया व्यू है। ऐसे मौसम में ना चलाने में बाइक मज़ा आती है, बाइक हो स्कूटी हो कुछ भी हो। ये वाला मौसम जब जब ऊपर आ रहे थे परसों, तब इतना बढ़िया मौसम नहीं था, तब काफ़ी वो थी मतलब गर्म लग रही थी, रात जाके ऊपर सही हुआ था। अब फिलहाल उतरते समय पूरा एकदम सेफ मौसम है, जैसे ऊपर वैसे यहाँ भी। आई होप कि ऋषिकेश भी ऐसे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। एक दिन आखिरी दिन है वाला, इंजॉय करके मस्त आराम से अपना फिर कल लखनऊ में सुबह होंगे। और ये देखो यूथ हॉस्टल, ये ऊपर से मसूरी से दिख रहा था वहाँ से, देहरादून वालों का बढ़िया है, नीचे गर्मी लग रही है ऊपर अपना आ जाओ पार्टी शार्टी करो, नीचे वापस वन डे टूर है उनका। दोस्तों ये व्यू देखिए आप कितना शानदार है, वो मसूरी है ऊपर, वहीं से हम लोग वापस आए हैं। और कुछ ये व्यू है और कुछ ये धन्नो अपनी खड़ी है, धन्नो की बहन, और यहाँ मैं इन्जॉइंग द प्लेस राइड। मौसम अच्छा हो गया है, नीचे पहुँचते हैं दिखाते हैं आपको। ऐसे मौसम में बाइक राइडिंग वगैरह भी करो ना तो थकान नहीं महसूस होती है भाई। जो गर्मी में मैंने उदयपुर में करी थी ना वो बिल्ला गया था मैं भाई साहब। ये पेड़ देखो आप देख रहे हो, पर्पल पर्पल लेवेंडर, लेवेंडर है पर्पल नहीं है। रोपवे और वो है वहाँ पे जाने वाला भट्टा फॉल्स, फॉल्स बोला गया लेकिन फॉल कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, सिंपल ऐसे ही है अम्यूजमेंट पार्क टाइप का आई थिंक। और कुछ ऐसा व्यू ये देखो शानदार। हाँ तो दोस्त अभी नीचे भट्टा फॉल करके है वो देखा था, तो उसका ये था कि 250 रुपये का है, बाकी वहाँ नंबरिंग लग रही थी बहुत लंबी नंबरिंग थी, करीबन 100 के आसपास थी और 37 नंबर चल रहा था, तो ये हुआ कि 2-3 घंटा तो वेट ही करना पड़ जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। और पैदल जाने का तो हिम्मत है नहीं क्योंकि बैग वैग भी था, और फिर पैदल तो उतर तो जाएंगे फिर चढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसमें भी 1-2 घंटा जाएगा, तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो तो ये स्किप कर दिया है भट्टा फॉल। बाकी मैंने पूछा था कि फॉल कैसा है, बड़ा है क्या है, तो वैसा तो नहीं है, मुझे आउट हो रहा है आर्टिफिशियल फॉल तो नहीं है, लेकिन बता रहे कि नहीं ये बड़ा फॉल है, असली वाटरफॉल है, तो मे भी हो सकता है। भाई साहब रोड देखो आगे यार एकदम शानदार ज़बरदस्त, ओए होए 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 होए, ये वाला जो कर्व होता है ना एस कर्व भाई, ये बड़ा मज़ा आता है इस पे चलाने में, और खाली हो तो और मज़ेदार। तो दोस्त नीचे आ चुके हैं, ये देहरादून का बाईपास है जो डायरेक्ट ऋषिकेश जाएगा, ये देखो
पूरा ट्राई हो रखा है, कुछ नहीं है इधर। घर देखो, घर पूरा शेड लगा दिया घर के ऊपर, पूरा टीन शेड लगा दिए हैं भाई घर के ऊपर। इससे बढ़िया तो सोलर पैनल लगा लेता, टीन शेड लगा दिया भाई। देखो कैसे पेड़ लगे एकदम सीधे सीधे, ये देखो शानदार। इतना मसूरे में इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम था, यहाँ उल्टा गर्म हो गया पूरा। देखिए भाई ऐसी रोड होती है, बिल्कुल सामने पहाड़ है एकदम, रोड दो सीधे जा रही हो एकदम शानदार। ओ भाई साहब ये व्यू है, ये व्यू है यार। काश यहाँ पानी होता है यार, पूरा सूखा पड़ रखा है यार पूरा, क्या बताएं। ये देखो 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 देखो, दिखा? आई होप आपको दिख रहा होगा, ले लद्दाख बनता जा रहा है भाई, ऋषिकेश भी, डेजर्ट, ग्लोबल वार्मिंग के चलते। कोई वो नहीं है, ये पूरे तार बाड़ लगाए गए हैं देखो एलिफेंट से बचाने के लिए, कि हाथी ना आ पाए यहाँ पे। जंगल एरिया, जय गंगा मैया। राफ्टिंग भी हो रही है गंगा नदी के तट पे। ये देखो बाबू, फिर से आ गए दोबारा यहाँ पे राम झूला। वो देखो करोगे राफ्टिंग? हाँ पिछली बार बहुत ज्यादा था, वार्निंग आने लगी थी यहाँ से, ऊपर तक था हफ्ते आना है। फिलहाल मैंने गंगा जी में नहा लिया भाई, बहुत सही लग रहा है। और कुछ ऐसा व्यू है देखो, और निशांत और कनिष्ठ ने नहीं नहाने का डिसाइड किया, वो लोग नहाएंगे कहाँ पे? हरिद्वार पे। और हम अब जा रहे हैं आगे, चोटी वाला दोबारा से, और वहीं फिर से खाया पिया जाएगा भाई। फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं चोटी वाला एसी वाले ऊपर, और ये देखो हम लोग ने अपना गोस्ट ऑफ यहीं बना दिया है, घर सजा दिया है, और आई ड्रॉप डाली जा रही है, और आँखों में आई ड्रॉप सबने डाली है। कुछ किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आई ड्रॉप पड़ गई है, इतना बुरा हाल हो गया ड्राइनेस से, धूप में गाड़ी चला चला के। लेकिन मजा खूब आए, नहा धो के बिल्कुल चिल हो गए। चलो अभी खाना दिखाएंगे, मिलते हैं। सिरके वाला प्याज आ चुका है, ये देखो वही है वही है भाई साहब, छाछ आ चुका है, छाछ।
यार ये सही है चार्ज, ये वाला अच्छा है। तो भाई साहब पनीर दो प्याजा है और ये दाल फ्राई है बटर वाली, और रोटी भी आ गई तवा रोटी, निकाला जाए खाया जाए। भाई साहब सामने देखो ये पनीर है, दस में दस देंगे इसको मैं। प्याज भी अच्छा है भाई। कैसा लग रहा है निशांत? आनंद, आनंद आया भाई साहब, बहुत ही अलग ही व्यू है यहाँ पे, एकदम बढ़िया है, शानदार। बिल्कुल यार मज़ा आ गया। वो देखो बंदा कहाँ है, वो देखो बहुत सही यार। क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है। अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर। बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है, हद ट्रैफिक हो रखा है यार। तो दोस्तों नेपाली फार्म आ गया है, ये वही जगह है जहाँ से हमने अपनी स्कूटी हायर करी थी, और अब स्कूटी को अलविदा कहने का वक्त है। बहुत साथ दिया इसने, बहुत अच्छी स्कूटी थी भाई। वो अगली बार भी अगर कभी आऊँगा तो मैं इन्हीं के यहाँ से ही लूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है स्कूटी। भाई साहब जो एवरेज दिया है ना, मात्र 350 रुपये में मैंने पूरा लगभग कितना 709 किलोमीटर हो गए, 500 पे दी थी, टोटल एग्जैक्ट 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिए। इतनी सही स्कूटी है भाई ये, बस ये यहीं पर ही है नेपाली फार्म बाइक कॉन्वेंट, यही जगह है जहाँ सुबह से हमने ली थी। ये है भैया की शॉप। ओ भाई चुके हैं हर की पौड़ी, भीड़ को देखिए इस वक्त आरती शुरू होने वाली है तो गजब की भीड़ हो रखी है इस वक्त। ओ भाई साहब गजब की भीड़ है भाई। भीड़ देख रहे हो भाई साहब, ये देखो। ओ यस बताओ कैसा लग रहा है नहा के? आया मजा? तुम बताओ रिलैक्स्ड? भाई साहब ये सीन देखिए आप, हर की पौड़ी।
चलो चलो खाने नहीं पास्ट है। अच्छा हम प्रेजेंट फ्यूचर में चल रहे हैं, क्या लेंगे नहीं क्या लेंगे। तो भाई फिलहाल हम लोग आ गए हैं हरिद्वार स्टेशन और ये रही हमारी गाड़ी का ट्रेन नंबर B4 और हालत हो गई है टाइट बहुत ज़्यादा। और बताओ कैसा लग रहा है? टायर्ड एज फक टायर्ड एज फक भाई साहब, पूरे मुंह की हालत देखो कैसे, क्योंकि टैनिंग ज़बरदस्त हुई है, इसको उतारने में 6 महीने लगेंगे हमको। ये आएगा ही नहीं इतना, इस पर लाइट मार रहा है। हाँ ये देखो हल्का सा दिखा ये देखो ये टैनिंग हुई है भाई। ऐसा टैनिंग होती है भाई यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में। तो खैर चलो मिलते हैं आगे दिखाएंगे, ट्रेन में बैठते हैं। तो दोस्तों फिलहाल लखनऊ रेलवे स्टेशन आता हुआ और गजब की नींद ली आज, सो गए थे बिल्कुल। देखा अच्छा लगती है देख के ये वाला सीन। चलो मिलते हैं आगे।